सच बोल रहे ना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ भाई। मतलब लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी पल आएगा कि मुझे यूट्यूब को क्विट करना पड़ेगा। तो आपने सही सुना है, मुझे यूट्यूब चैनल ये वाला जो है JRVDGP, इसको क्विट करना पड़ेगा भाई। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल JRVDGP, वेलकम टू माई फ्रेश न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आई थिंक आपने थंबनेल वाला टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो क्या टॉपिक पे। यार सच बोल रहे ना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ भाई। मतलब लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी पल आएगा कि मुझे यूट्यूब को क्विट करना पड़ेगा। तो आपने सही सुना है, मुझे यूट्यूब चैनल ये वाला जो है JRVDGP, इसको क्विट करना पड़ेगा भाई। तो बहुत दिल पे ख़राब लग रहा है भाई, समझ रहे हो ना। तो कैसा रीज़न है, क्या रीज़न है, मैं किस लिए यूट्यूब क्विट कर रहा हूँ ना भाई, मैं ही जानता हूँ। और आप लोग को भी समझाता हूँ कि मेरे साथ क्या ऐसा हादसा हो गया कि मैं JRVDGP वाला चैनल को क्विट कर रहा हूँ भाई, समझ रहे हो ना। मैं छोड़ रहा हूँ इस चैनल को, दिल पर बहुत ख़राब लग रहा है। 1 साल 2 महीने का मेहनत लगा है भाई, इतना कुछ, मतलब जो भी सब्सक्राइबर थोड़ा सा बना पाया हूँ, बहुत लोगों को कम लगेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई। तो चलो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि कैसा क्या सीन हुआ था भाई। सो गाइज, द रीज़न बिहाइंड क्विटिंग माई यूट्यूब चैनल JRVDGP, मैं आपको कारण सीधा सीधी सिंपल भाषा में बताता हूँ भाई, मैं कौन सा रीज़न के लिए अपना चैनल JRVDGP को छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहला बात एक बताता हूँ कि एक क्रिएटर के लिए उसका यूट्यूब चैनल बहुत कीमती होता है, क्योंकि हर एक जो क्रिएटर भाई जो यूट्यूब पर आ रहा है वो बहुत मेहनत करके आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूट्यूब पर क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स अगर आप करते हो तो आप एलिजिबल होते हो मोनेटाइजेशन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ, आई थिंक आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मेरा एक एक्सीडेंट वाला वीडियो जो था Duke 250, मेरा फ्रेंड के साथ जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो वीडियो वायरल हुआ था। और मेरा सिटी दुर्गापुर में ये रील्स और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ठीक है। बहुत लोग मुझे ये एक्सीडेंट वीडियो के लिए ही जानने लगे थे। तो एक्सीडेंट वीडियो में कितना व्यूज़ गया ना, आपको स्क्रीनशॉट बगल पे दिख रहा होगा, आप देख लो एक बार। तो बहुत दिल पे ख़राब लग रहा है यार। और तो क्या हुआ था कि मेरा ये चैनल वायरल होने के लिए क्या हुआ था कि मेरा जो वॉच आवर्स था, सब्सक्राइबर था, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या किया कि मैं मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने गया। तो अप्लाई करने गया तो मुझे पता नहीं, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो तो नॉर्मल हो गया, एग्री कर लिया। सेकंड स्टेप जो होता है जिसमें मैं गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, तो पता नहीं भाई कैसे क्या हो रहा है कि मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसको यूट्यूब ने कम्प्लीटली परमानेंटली क्लोज कर दिया। तो भाई आप कोई रीज़न, मैं मतलब इतना ख़राब लग रहा ना भाई, सालों का मेहनत लगा है भाई, तब जाके मैं स्टेज पर पहुँचा था कि भाई मैं मोनेटाइजेशन का एनेबल कर सकूँ। कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं किया था। बहुत लोग मोटो व्लॉगिंग या लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग में क्या करते हैं, लड़की को लिफ्ट दे दिया, लड़की के साथ प्रपोज कर दिया, लड़की को यहाँ पे ले गया वहाँ ले गया, ऐसा कंटेंट मोटो व्लॉगिंग में आपको देखने को मिलेगा भाई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया था, 1 साल 1 महीने का मेहनत लगा था, तब जाके मोनेटाइजेशन अप्लाई या एनेबल का जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट किया था भाई, समझ रहे हो ना। बहुत ख़राब लग रहा है भाई दिल से, मतलब मेरा जो हेड है ना भाई बहुत दर्द कर रहा है, समझ रहा हूँ, सिर बहुत दर्द कर रहा है, डिप्रेशन टाइप हो गया है, अब क्या कर सकते भाई। तो अब मेन दिक्कत क्या है कि मैं आपको एक बार ना स्क्रीनशॉट करके मैं अपना फ़ोन से बात करता हूँ, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। तो मेन जो दिक्कत है कि मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है वो गूगल ने परमानेंटली डिसेबल कर दिया। तो आई थिंक आप स्क्रीनशॉट देख पाओगे, तो परमानेंटली अकाउंट हैज़ बीन क्लोज बाय गूगल। तो मुझे जितना लगता है कि जो रीज़न है, जो पॉलिसी गाइडलाइन जो मैंने फॉलो नहीं किया, वो आप मुझे पता चला है कि वो है इनएक्टिव इनवैलिड मतलब एक्टिविटी, मतलब इनवैलिड जो क्लिक एक्टिविटी है उस लिए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैं फर्स्ट टाइम अपना JRVDGP में मोनेटाइजेशन एनेबल कर रहा हूँ, मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका पहले मोनेटाइजेशन के पहले आप अपना वीडियो खुद चला के देख सकते हो, ये यूट्यूब का क्राइटेरिया पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक दो बार ही देखा था, ज़्यादा मैं नहीं देखता था अपना चैनल खुद का वीडियो से, मतलब खुद का चैनल से खुद का वीडियो मैं नहीं देखता था कभी भी। अब क्या करें भाई, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो गया, मैं लगभग 2 वीक से, मतलब नियर अबाउट 2 वीक से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि क्या करूँ, कुछ भी रीजंस है। तो एक सोल्यूशन होता है, वो है इनवैलिड अपील फॉर्म का, तो वो भी मैंने फिलअप किया, वो भी आई थिंक आप स्क्रीनशॉट देख पाओगे अपील फॉर्म कैसा दिखता है। तो वहाँ पे भी मैंने जो ऑप्शंस होता है, मैंने सब ऑप्शंस को फिलअप करके मैंने अप्लाई किया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। मुझे वहाँ से ईमेल आ गया कि यूट्यूब इज़ अनेबल टू रीइंस्टेट योर अकाउंट, मतलब ये जो गूगल एडसेंस है परमानेंटली डिलीट है, ये मुझे वापस नहीं मिल सकता है। तो समझ रहे हो ना भाई कितना दिल पे ख़राब लग रहा है। और मेन दिक्कत क्या हुआ मुझे, और ख़राब पता है क्यों लग रहा है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरा जो मतलब ये वाला जो चैनल है। सो भाई आपको मैं बता रहा हूँ मुझे और ज़्यादा ख़राब क्यों लग रहा है, पता है, मैं सच बोला, मैं मुझे लिटरली मतलब अंदर से इतना इमोशनल हो गया ना, सेंटीमेंट हो गया भाई। तो देखो मेरा जो एक्सीडेंट वीडियो है, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, मुझे नियर अबाउट अभी तक मैं जब सुबह को वीडियो बना रहा हूँ, 1,12,000 व्यूज़ आया है। एंड जो वॉच टाइम है आई थिंक आप देख पाओगे 3.7 के, मतलब मेरा एक वीडियो से ही ऑलमोस्ट 3.7 के वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गया। तो देख रहा हूँ ना, यूट्यूब पे एक ही वीडियो लगता है क्रिएटर को वायरल करने के लिए, उसके बाद उसका चैनल सेट होता है। तो मेरा भी वैसा हुआ, लगभग मैं 1 साल मेहनत किया था, मुझे जाके एक ऐसा वीडियो मिला था कि वो वायरल हो सके, मतलब ऐसा एक वीडियो होता है ना हर एक क्रिएटर को मिलता है जो वायरल हो सके, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ था। लेकिन अब क्या करें भाई, लिटरली ना मेरा दिमाग पूरा ख़राब है भाई, सच बोला, इतना मतलब मन को ख़राब लग रहा है ना भाई, आप भी समझ सकते हो, पता नहीं आप लोग समझोगे कि नहीं। तो आई थिंक मैंने ये दिखाया
है। और मेन दिक्कत का बात है, मैं आपको और एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखो कि मेरा जो अभी नियर अबाउट 48 आवर्स पे, अभी जो करंट मेरा 48 आवर्स पे जो व्यूज़ गया, आई थिंक आप देख पाओगे 29,000 व्यूज़ गया भाई। नॉट अ मैटर ऑफ जोक फॉर अ स्मॉल क्रिएटर लाइक मी, 29,000 ऑलमोस्ट 30,000 व्यूज़ गया भाई। एंड ऑलमोस्ट 60 मिनट में भाई नियर अबाउट 1.5K व्यूज़ गया, वो भी स्क्रीनशॉट आप देखो यार। तो समझ लो 60 मिनट में 1.5K व्यूज़ जा रहा है यार, इसी टाइम पे मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हो रहा है, इतना मतलब दिल पे खराब लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ यार। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो स्क्रीनशॉट था तो मैंने दिखाया गूगल एडसेंस वाला, एवरीथिंग देखा होगा। तो इससे अब देखो, ये चैनल छोड़ने का एक ही रीज़न है कि देखो भाई, मैं इस चैनल पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चैनल पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ, सब्सक्राइबर बेस जो है वो गेन कर सकता हूँ, फैन फॉलोइंग भी थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर का मिलेगा। लेकिन मेन मुद्दा का बात क्या है, एकदम दिल से बात करूँ, मुझे इनकम नहीं होगा। तो भाई इनकम जब नहीं होगा तो मैं बेकार इस चैनल पर टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, मुझे भी तो अपना करियर बनाना है, मुझे भी तो पैसा इनकम करना है, लाइफ का शौक है, पापा मम्मी को भी तो अच्छा लाइफ चल देना ना भाई। आज का दुनिया में भाई पैसा के बिना लाइफ में कुछ नहीं है भाई, मेरे से अब लिख के ले लो। तो इसीलिए मेरा मन में खराब लग रहा है भाई, मैं बहुत सारा अपना पुराना वीडियोस को कल को दूसरे अकाउंट से देख रहा था, इतना खराब लग रहा था ना कि ये सब अब चला जाएगा भाई। जीआरवी डीजीपी वाला जो नेम है बाइक पे भी मैं जो लिखा है वो भी आपको मुझे उठाना पड़ेगा भाई, बहुत खराब लग रहा है यार, मतलब दिल से इतना खराब लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूं यार, मैं पूरा ऑफेंडेड था। इसलिए मेरा चैनल पे देखना कुछ मतलब रेगुलरली वीडियो आता था, लेकिन इस ब्लॉग चैनल पे क्या हो रहा है कि 3-4 दिन बाद वीडियोस आता था, मैं अंदर से बहुत मतलब सच बोल रहा ना भाई टूट गया था यार, समझ ही नहीं पा रहा था कि लाइफ में कैसे प्रॉस्पर करूं, कैसे आगे करूं भाई। तो आई नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट भाई, मैं नया चैनल खोलने वाला हूं, थोड़ा सा उसमें लव सपोर्ट दिखाओ। मतलब देखो एक चीज़ बता रहा हूं भाई, मैं ये जो मतलब इशू हुआ मेरे साथ कि मोनेटाइजेशन मैं इनेबल नहीं कर पाऊंगा, गूगल एडसेंस परमानेंटली क्लोज हो गया है, हर एक यूट्यूबर का वीडियो देखा कोई काम नहीं गया, ठीक है। यूट्यूब पार्टनर टीम से मैं बात किया तो आई थिंक उसका भी स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा, तो देखना उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अकाउंट इज बीन टर्मिनेटेड, आपको ये गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं मिल सकता। मतलब YouTube ने तो बोल दिया भाई, हमारा क्या, मैं तो इतना मेहनत किया था यार, क्या बोलो यार, बहुत दिल पे खराब लग रहा है यार, मतलब सच बोलो ना भाई, आंसू रोना टाइप आ गया था, मतलब पूरा इमोशनल हो गया था यार, इतना मेहनत किया था। देखो एक मतलब एक जो लड़का होता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ रीजंस के लिए, एक बॉय या एक लड़का लाइफ में कुछ रीजंस के लिए रोता है, एक तो है भाई फैमिली प्रॉब्लम अगर है, अगर किसी का ट्रू लव है वो अगर छोड़ के जा रहा है तो वो रोता है, अगर लड़का कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का का अगर सपना आंखों के सामने टूटता हुआ देखे ना तो उससे ज़्यादा पेनफुल और दर्दनाक कुछ नहीं होता भाई। तो वैसा ही सिचुएशन मेरे साथ हुआ, मैं अपना आंखों के सामने मैं अपना सपना को टूटते हुए देख रहा हूँ, जबकि चैनल भी अच्छा ग्रो कर रहा था, सब कुछ हाइप में चल रहा था, फिर भी ये सिचुएशन हो गया। तो समझो ना कितना मेहनत लग रहा है, मतलब कितना मेहनत करके मैंने किया था, पूरा दिल पे खराब लग रहा है भाई, पूरा दिल पे खराब लग रहा है, सच बोलो मैं अपना पूरा मन का भड़ास आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं घर में ये इशू के रिलेटेड बात किया तो पापा मम्मी ने भी थोड़ा सा समझा, फैमिली सपोर्ट भी आया, लेकिन मैं मोनेटाइजेशन एनेबल करके पापा मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था कि हाँ भाई पापा देखो, मैंने जो एक साल का जो मैंने मेहनत किया वो मैंने फालतू का मेहनत नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मेरा मोनेटाइजेशन एनेबल वाला जो क्राइटेरिया है 1000 मतलब सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स का वो कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड था कि हाँ भाई पापा मम्मी को बोलूँगा, मेरा बैंक लिंक हो गया अकाउंट में मतलब यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा खुश था, पापा मम्मी को दिखाऊंगा, साला वो भी मेरे नसीब में नहीं था, इतना ज़्यादा मैं अनलकी फील कर रहा हूँ ना, मतलब क्या बोलूँ भाई, मैं लिटरली टूट गया हूँ यार। अब एक जो देखो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब अपना सपना को पूरा करता है तो उसका जो थोड़ा सा सक्सेस होता है या जो हम लोग राइट पाथ पे जो काम करें वो फैमिली में दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हम लोग सही काम कर रहे थे, आप पापा मम्मी देखो यार, ठीक है, वही चीज़ मेरे से मतलब लूट गया यार। तो समझ रहा हूँ कितना मेरे दिल पे खराब लग रहा है यार, मतलब सच बोलो ना, मैं पूरा लिटरली मेरा दिमाग ख़राब मतलब हो गया, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अंदर से 1 वीक से मैं पूरा डिप्रेशन में हूँ भाई, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं नया चैनल खोलूँ या ना खोलूँ, मैं फिर से यूट्यूब कंटिन्यू करूँ कि नहीं, मैं पूरा अंदर से टूट चुका भाई, लिटरली आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड मैन, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो गया यार, क्यों हुआ, यूट्यूब टीम से बात किया, गूगल एडसेंस जब पार्टनर प्रोग्राम का जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर बात किया, फिर भी सारा कुछ काम नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हो ना, पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया भाई। चलो एक ही चीज़ बोलूँगा भाई कि थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ, आई थिंक दिस विल बी और दिस कैन बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल जीआरवी डीजीपी। तो एक चीज़ बोलूँगा, मैंने नया ईमेल बना लिया है, अब नया चैनल भी मैं बनाऊँगा लेकिन ब्लॉग छोड़ूंगा नहीं, ब्लॉग इज माय जीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, मेरा पैसन है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे करना तो है ही, बहुत अंदर को अपने आप को मोटिवेट किया यार। तो चलो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि लाइफ में जो भी होता है अच्छा होता है, अब इसी को मानते हुए नेक्स्ट चैनल खोल लिया हूँ भाई, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाना। और अभी फिलहाल मैं नया चैनल क्या खोला हूँ और एक वीडियो मैं जीआरवी डीजीपी में बनाऊंगा, उसमें भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो थोड़ा सा भाई एक आप लोग को मेरा पूरा मतलब दिल से रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा जो नया चैनल आएगा, जितना भी सब्सक्राइबर है 2600 या 400 जो भी सब्सक्राइबर है भाई, थोड़ा सा नया चैनल पे आप लोग लव सपोर्ट दिखाओ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ भाई मेरा जो नया चैनल मैं बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर करो भाई, ताकि जो जीआरवी डीजीपी का जो मेरा नेम है वो थोड़ा सा वायरल हो सके, या मैं जो नया काम करूँगा वो मेरा थोड़ा वायरल हो सके, आप लोग शेयर करना। तो एक चीज़ बोलूँगा, मैं जो नया चैनल का
मतलब खोलूंगा उस चैनल का, क्या मैं नाम रखूं या मैं JRBDGP 2.0 रखूं, क्या नया नेम दूं या मैं खुद का नेम दूं, या जो भी चैनल का नेम दूं, आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ यार, बहुत दिल से ख़राब लग रहा है, मतलब लिटरली आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। तो चलो जो भी है, अब कुछ बताने से, तो और एक चीज़ बताता हूँ, मेरा दो चैनल था, मैं JRBDGP में ब्लॉग, राइड ब्लॉग, लाइफ स्टाइल ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग भी करता था, और एक जो मेरा चैनल है गौरव ऑटोजोन, तो गौरव ऑटोजोन में मैं बाइक रिव्यू करता था। तो एक चीज़ बोलूँगा, गौरव ऑटोजोन वाला चैनल को भी थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ, उसका भी स्क्रीनशॉट आप बगल में देख पाओगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक रहेगा, थोड़ा सा वहाँ पर लव सपोर्ट दिखाओ भाई लोग, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, आई एम लिटरली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड यार। तो गौरव ऑटोजोन वाला जो चैनल है बाइक रिव्यू का, उसमें नियर अबाउट और 200 या 220 या 230 सब्सक्राइबर चाहिए 1000 करने के लिए, तो थोड़ा सा वहाँ पर लव सपोर्ट दिखाओ और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सो गाइज, मतलब दिल पे ख़राब लग रहा है। तो चलो, आई थिंक जो भी मेरा इशू था मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ द रीज़न आई एम क्विटिंग यूट्यूब, दिल से बहुत ख़राब लग रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, इतना मेहनत करके इस जगह पे पहुंचा था कि मोनेटाइजेशन वाला इनेबल वाला क्राइटेरिया खुद से करूँगा। बहुत लोग क्या करता है, पेड सब्सक्राइबर, पेड मोनेटाइजेशन मतलब अप्लाई करता है, मैंने कुछ नहीं किया था भाई, प्योर मेहनत करके मैं मोनेटाइजेशन इनेबल वाला क्राइटेरिया किया था यार। मुझे ही पता है कि 4000 वॉच आवर्स करने में मुझे कितना मेहनत का सामना करना पड़ा था। चलो, तो फिलहाल यहाँ पे देख पाओगे भाई लोग बेबी लाइट है, एंड यहाँ पे देखोगे यार JRBDGP जो चैनल है, जो मैंने बाइक पे लिखाया था, ये मुझे अब इसको भाई उखाड़ना पड़ेगा यार, मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, इतना दिल पे दर्द लग रहा है ना भाई। बहुत मेहनत करके मैं यूनिक नेम सोचा था यार। अगर आप ये JRBDGP वाला जो मेरा नेम है गूगल पे भी सर्च करोगे ना, सिर्फ JRBDGP या गूगल पे लिख दोगे, तो मेरा पूरा जो भी वीडियोज़ है सब आता था भाई, सब रिकमेंड करता था गूगल। इतना दिल पे ख़राब लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ भाई, मुझे ये चैनल को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है भाई, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहेगा, मोनेटाइजेशन मैं इनेबल ही नहीं कर पाऊंगा चैनल पे, तो समझ रहे हो ना। सो भाई, अब कुछ कर नहीं सकते, दिल पे मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो अब कुछ करने का ही नहीं है भाई। तो आप लोग थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाना यार, दिल से पूरा टूट चुका है यार, मेरा जो अंदर का जो मोटिवेशन था ना ब्लॉग करने का, वही टूट चुका है। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत जुटाया कि मैं आके यहाँ पे वीडियो करके आप लोग से शेयर किया कि मेरा क्या प्रॉब्लम था जिसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल को क्विट कर रहा हूँ। आई थिंक आपने देख ही लिया है। तो चलो, ये वीडियो यहीं तक रहेगा, और लास्ट बार के लिए मैं बोल रहा हूँ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस, राइट सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चीयर्स ऑलवेज, मेक अस हैप्पी, थैंक यू वॉच माय वीडियो, और मैं सोशल मीडिया का लिंक दे दूंगा, और जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल पे जो मैं नया चैनल बनाऊंगा ब्लॉग वाला, उसका तो मैं लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे जाकर थोड़ा सा आप लोग लव सपोर्ट दिखाना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, आई एम कंप्लीटली ब्रोकन माइंड। ये चैनल को ये वीडियो को शेयर करो या सब्सक्राइबर में बजा, मैं कुछ भी करो यार, शेयर करो वीडियो को, और जो नया चैनल बनाऊंगा उसका लिंक तो मैं इस बॉक्स मतलब ये वाला वीडियो में नहीं दूंगा, और एक JRBDGP में और एक मैं वीडियो बनाऊंगा न्यू चैनल के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाना भाई लोग। चलो, अलविदा फ्रॉम दिस चैनल भाई, एंड सी यू इन द न्यू चैनल भाई लोग।